एवरीवन, सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी सारी वीडियोस पे, और काफ़ी सारे बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। दो डाउट सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिले। सबसे पहली चीज़, 75% क्राइटेरिया का क्या होगा? तो बेटा मैं आपको बता दूँ, 75% क्राइटेरिया रिमूव नहीं होने वाला है। अपनी तैयारी पहले से ही ऐसे रखो कि 75% क्राइटेरिया को पार करो आप, यानी कि बोर्ड में भी अच्छी खासी मेहनत करो, धीरे धीरे साथ साथ आपकी नीट और जेई की तैयारी भी होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड बहुत आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जेई की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन साथ साथ आप करते रहना। अब पॉइंट ये है बेटा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैम नीट का सिलेबस रिडक्शन तो हो गया, ठीक है, लेकिन जेई का सिलेबस रिडक्शन किस तरीके से है और क्या है ये बता दीजिए। कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो, नीट का सिलेबस रिडक्शन जो हुआ है ना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो नीट का सिलेबस रिडक्शन हुआ है, जो पहले न्यू एनसीईआरटी आई थी जिसमें कुछ टॉपिक्स पहले कट कर दिए गए थे, इस बार जो सिलेबस है उसी के हिसाब से बनाया गया। हमारी केमिस्ट्री में वही सब चीज़ें कट की गई हैं जो पहले बोर्ड में कट कर दी गई थी, बाकी एज सच कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। राइट, जो जो चैप्टर्स हमारे कट किए गए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैंने लिख दिया है कौन कौन से चैप्टर्स कट हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी हैं, आप एक बार चेक कर लेना। और इसके अलावा जो जेई का सिलेबस रिडक्शन है वो होने के चांसेस नहीं है। यस, नहीं, आपने सही सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, नीट के एग्ज़ाम में अभी टाइम है, लेकिन जेई जो है वो बिल्कुल पास है, यानी कि 100 डेज हमारे पास हैं जेई के लिए, तो इतने कम टाइम में सिलेबस रिडक्शन नहीं आ सकता। क्योंकि बेटा अब कम टाइम है तो इसका एग्ज़ाम भी बहुत पहले प्रिपेयर हो जाता है, यानी अगर आप कहें तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ये बहुत सारी शिफ्ट में होता है, तो पेपर बनाने में, सारे सेंटर के बारे में जानने में, सेंटर अलग अलग होते हैं, एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करने में, इन सब में टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस जो है वो 6 से 7 महीने का टाइम लेती है, तो पेपर अभी रेडी हो चुके होंगे। तो इस सेशन के लिए कोई भी अपडेट एज सच नहीं आने वाली है, लेकिन देखिए पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि एनटीए है तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि बेटा आप लोग किसी भी तरीके का सिलेबस रिडक्शन जेई वालों से एक्सपेक्ट ना करें। कोई सिलेबस रिडक्शन इस बार तो नहीं होने वाला, हो सकता है नेक्स्ट सेशन वाले वाले बच्चों के लिए कुछ पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पर सिलेबस रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन इस सेशन वाले बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस रिडक्शन मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। इसलिए बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जो इधर उधर आप वीडियोस देख रहे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, सिलेबस रिडक्शन हो जाएगा तो ये चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े, आपको सब पढ़ना है, आपका सब आ रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और आपके कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कॉमेंट्स छोड़ दिया करो, अब मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए आऊंगी, लाइव भी बहुत जल्दी आने वाली हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बेटा।